तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्वायल है और उस रेक्टेंगुलर क्वायल की जो लेंथ है 0.12 मीटर है, विड्थ 0.1 मीटर है और इसमें 50 टर्न्स है, वर्टिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, क्वायल कैरिंग करंट 2 एम्पीयर, इफ द प्लेन ऑफ द क्वायल इंक्लाइन 30 डिग्री डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो की पॉइंट है, ये समझने वाली चीज है। तो चलो एक क्वायल है ऐसे, ध्यान रखना प्लेन ऑफ द क्वायल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा। तो अगर ये क्वायल है और ये वाली जो लाइन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो लाइन है यहाँ से प्लेन ऑफ द क्वायल, ये जो है प्लेन, ये एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री है प्लेन ऑफ द क्वायल, ये जो क्वायल का प्लेन है, दिस इज अ प्लेन ऑफ द क्वायल, वो 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर आएगा? तो जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो पूरा थीटा कितना होगा, थीटा डैश है वो 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा। थोड़ा सा विजुलाइज करो आप, मतलब थोड़ा सा कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कहता है, ये सारी चीजें कहता है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हमें टॉर्क की कितनी जरूरत है, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, ठीक है, आपको याद होना चाहिए एम क्रॉस बी। अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो एम बी साइन थीटा वन आएगा, थीटा डैश आएगा यहाँ, क्योंकि थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ से एम और बी, यहाँ से साइन 30 नहीं आएगा, साइन 60 आएगा, मतलब ये आ जाएगा एम बी यहाँ से √3/2, दैट इज द टॉर्क अमाउंट ऑफ टॉर्क। लेकिन यहाँ पर अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ टॉर्क बी और टू की भी वैल्यू डालनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट मैं निकालूंगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से दिया हुआ है 0.2, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट होता है एन आई ए होता है, और रेक्टेंगुलर के केस में एन आई ए लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 50 और करंट इसमें दिया हुआ है कितना एम्पियर फ्लो हो रहा, 2 एम्पियर, और यहाँ से जो एल है लेंथ 0.12 और ब्रेथ जो है वो 0.1 मीटर, ठीक ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आए 12×5=60 और 6×2=12, ठीक है, तो ये अगेन 1.2 आ जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.2 यहाँ से आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से 0.2 है, तो जो टॉर्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड 0.2 और यहाँ से √3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 यहाँ से आ जाएगा टॉर्क, तो 0.2 एक्चुअली तुम देखोगे तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर मुझे टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।